कहीं बहुत आई थी कि मैं बहुत माहिर खिलाड़ी या फिर बनता आ गया। तो मालवेयर डेवलपर की बेहतरी है, वही सभी कर रहा हो बैठ के, वही लोग ही करते और कुछ नहीं करते। मेरे पास भी क्वालिटी है बिल्डिंग की, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पर मैं डेवलपर में ज्यादा फोकस करता हूँ। हैकर भी बन सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कीमत तो सब में तो नेगेटिव माइंड चलता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। मैं चाहूँ हैकर बन जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के कितने मेथड से, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कितने तरीके से साइबर सिक्योरिटी आपकी तोड़ने की कोशिश आज की जा रही है, ठीक है। तो मेथड्स में लिखिएगा, फर्स्ट मेथड स्पैम। पहला साइबर सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, स्पैम मैसेजेस आपको भेजे जाते हैं, आपके ईमेल भरे हैं इन स्पैम मैसेजेस, अगर आप देख पाओ, ठीक है, और आते रहते हैं। और ये तो अच्छी बात है कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स से जो है वो जबरदस्ती स्पैम फोल्डर को खोल के मैसेज नहीं पढ़ रहे, लेकिन जबकि बाहर के स्टूडेंट्स कई बार क्या होते हैं, अति उत्तेजना के चक्कर में स्पैम के मैसेज खोलते हैं और उनके लुभावने एलिमेंट्स पे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहले साइबर क्राइम स्पैम से किया जाता है। आपको स्पैम मैसेज भेजे जाते हैं, अनवांटेड मैसेज, और कई बार ऐसे मैसेज भी आते हैं कि आपने 1 करोड़ की लॉटरी जीती, ठीक है, आता है, ये भी स्पैम है, ये सारे स्पैम है। आप बस फंसो तो एक बार, हैकर तो बैठा था फंसाने के लिए, हाँ जवाब दिया था, हाँ वो चीज अच्छा वो जवाब देके फंस नहीं गए। दूसरा आइडेंटिटी थेफ्ट, करोड़पति हो, ठीक है, स्पैम में डैश करके आप लिखेंगे अनवांटेड मैसेजेस, स्पैम में क्या लिखेंगे आप, अनवांटेड मैसेजेस। आइडेंटिटी थेफ्ट दूसरी आजकल की सबसे बड़ी समस्या, आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना कि ये तो खुलेआम हो रहा है, आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स आपके डेटा को सीधे क्या करते हैं, मार्केट में सेल आउट कर दे रहे, तो ये आपके आइडेंटिटी को क्या कर रहे हैं, छुड़ा रहे, आइडेंटिटी छुड़ा रहे। आज पूरी दुनिया को पता है कि आपको वेनिला आइसक्रीम पसंद है, आप रोज वेनिला आइसक्रीम देखते रहते हो, तो पूरी दुनिया को क्या कर दिया जाता है, पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि आपने क्या खाते हो, वेनिला आइसक्रीम आपको पसंद है, तो आपको वेनिला आइसक्रीम के हर कंपनी आपको फ्लेवर दिखा दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है, इसमें एक लाइन में लिखिएगा, यहाँ आइडेंटिटी को चुराया और बेचा जाता है, ये द आइडेंटिटी इज थेफ्ट एंड सेल आउट, आइडेंटिटी को चुराया और बेचा जाता है, ये द आइडेंटिटी इज थेफ्ट एंड सोल्ड आउट, ठीक है। तो आपकी आइडेंटिटी आपसे चुराई जा रही है और उसको बेच भी दिया जा रहा है, इसका अच्छा खासा पैसा मार्केट में देने वाले बैठे हुए, आपका फोन नंबर भी बिक चुका है, आपको पता है फोन नंबर बिक चुका है आपका, किसी का फोन नंबर अभी वो बोलेगा कि मेरा फोन नंबर दुनिया में किसी को नहीं पता, दुनिया में सबको पता है, ये मान के चलो कि अभी दुनिया में तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं चालू हुए, थोड़ा फेमस हो जाओ फिर तुम्हें सारे ऑफर्स आने लगे। सर आने लगे ना, बस ये आपको ध्यान रखिएगा, तुरंत इतनी जल्दी डेटा चला गया। थर्ड आपको ध्यान रखना साइबर सिक्योरिटी में मैलिशियस कोड, थर्ड आप लिखिएगा मैलिशियस कोड, जिसके द्वारा साइबर सिक्योरिटी को क्या किया जा रहा है, परफॉर्म एक पूरा चेक दिया जा रहा है। मैलिशियस कोड का मतलब ही वायरस और बॉम्ब से ही, आपको ध्यान रखना है, इससे तो हर आम इंसान परेशान है, वो परेशान वायरस आपके कंप्यूटर में आते हैं, ठीक है, आते हैं तो आपके कंप्यूटर में फंक्शनैलिटी रुक जाती है, कई बार तो सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाते हैं, फाइलें क्रैश हो जाती है, तो ध्यान रखना ये इसके भी डेवलपर्स है, एक हम कहते हैं मालवेयर डेवलपर। ध्यान रखना इस इंडस्ट्री में दो तरह के डेवलपर होते हैं, एक होता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक होता है मालवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर बहुत धीरे गति से डेवलपमेंट सीखता है, और मालवेयर डेवलपर इतनी जल्दी गति से मालवेयर डेवलपमेंट सीख चुका होता है कि वो बड़ी बड़ी कंपनी को हैक कर लेता है। और ध्यान रखिएगा, मालवेयर डेवलपर शायद ही आपको अपनी सिटी में मिले, अपने आप को सॉफ्टवेयर डेवलपर भी ढंग के नहीं मिलते। मालवेयर डेवलपर पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, उसके बाद मालवेयर डेवलपर बनता है। तो ये क्या, ये वो क्यों करता है, ये वो करता है आपके सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए, जान बुझ के। वैसे तो जाने जाने कितने वायरस आपके कंप्यूटर में भी रोज आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना मोबाइल में भी आते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि मालवेयर डेवलपर ज्यादा बड़ी कंपनियों के सर्वर को अटैक करने के लिए काम करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई बहुत बड़ी कंपनी भी जबलपुर में है, अगर उससे फिरौती कोई करना चाहता है तो उसका सर्वर हैक कर लेगा, वो मैलिशियस कोड लिखेगा, सर्वर क्या करेगा, हैक करेगा, और सर्वर हैक करके फिरौती मांगेगा। आजकल तो ये भी होता है कि कई बंदे नौकरी के लिए भी कई बार करते हैं, कोई बड़ी कंपनी में अगर आपको जॉब चाहिए और अगर आपने उसकी वेबसाइट हैक कर लेगा, आपको जॉब मिल जाती है, वही कंपनी आपको जॉब देती है, क्योंकि तुमने
बिना ट्रेनिंग के मेरी वेबसाइट हैक कर दी और मेरे बड़े बड़े डेवलपर्स को आपके में ठेका दिखा दिया। गूगल करता है, करो मेरी वेबसाइट करके ओपन चैलेंज करता है, दो मेरी वेबसाइट हैक करो। अब सर सबसे पहले यही करे, ठीक है? नहीं करते। देखो मैं एक चीज आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ये वो बंदा कर सकता है जो गूगल के डेवलपर्स को भी चूना लगा सके। गूगल के डेवलपर को अगर आप चूना लगाने की ताकत रखते हो तो आप गूगल के डेवलपर के ऊपर शेडिंग जाकर काम करेंगे। तो गूगल के डेवलपर छोटे मोटे होंगे क्या? उन्हें टीम भी बहुत बड़ी बना के रखी होगी, 5000 की टीम होती है। और वो टीम में भी आप जहां तक सोच रहे हो ना, आपसे 100 साल आगे चल रहे होंगे। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। नंबर 14 लिखेंगे फिशिंग अटैक्स। नंबर 14 लिखेगा फिशिंग अटैक्स। ध्यान रखिएगा ये सारे अटैक्स आप पे होंगे और कई तो होने भी चालू हो चुके हैं, ठीक है? फिशिंग अटैक्स, अभी आपको नाम नहीं मिला, दाम नहीं मिला, अटैक चालू हो गए हो रहा है। अभी कोई दुनिया में आपको जानता नहीं, कोई ज्यादा पैसा भी कमा नहीं रहे हो, पर अटैक तो हो रहे हैं आपके ऊपर। आपकी आईडी भी चुराई जा रही है, स्पैम आने लगे, मैलिशियस कोड वायरस आपके आने लगे और फिशिंग अटैक ये थोड़ा सा नामिल होकर ऊपर होता है। फिशिंग अटैक में हम करते हैं जानबूझ के किसी को क्या करते हैं, अटैक करते हैं। इसमें टारगेटेड अटैक होता है, ये नहीं कि हमने अंधेरे में टीम चढ़ा दी, हम जानबूझ के किसी पे टीम चढ़ाते हैं। कारण क्या, हमें मालूम कुछ हमें क्या मिलेगा, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने वाले। आप किसी भी एक बड़े लेवल के अधिकारी को अगर आप देखते हो तो वो फिशिंग अटैक्स उसके ऊपर ज्यादा होते रहते हैं, ठीक है? जानबूझ के उसके फेसबुक हैक हो जाता है, कभी उसका व्हाट्सएप हैक होने लगता है, कभी उसके मोबाइल हैक हो जाते हैं, कुछ भी हैक हो जाता है। तो इनको जानबूझ के जो अटैक किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फिशिंग अटैक। तो डैश के लिखेगा दे आर टारगेटेड अटैक। ये टारगेटेड अटैक होते हैं, मैं अंधेरे में तीन नहीं चल रहा, जबकि वायरस अनटारगेटेड होते हैं। मैंने वायरस इसके लिए बनाया जिसके इसके कंप्यूटर में चले, पर ये तो टारगेटेड है, मैं तो जानबूझ के कर रहा हूँ। टारगेटेड अटैक्स होते हैं। और ध्यान रखिएगा हमारी भारत की जो साइबर सिक्योरिटी सेल जो है ना, ये बहुत एक्टिव है, बहुत सारे देश हमारे डेटा